नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा पाँचवीं विषय हिंदी व्याकरण का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ हम पाठ छः सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के छः भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम पढ़ते हैं मैं, हम, वह। निश्चयवाचक में आता है यह और वह, निश्चय होता है। अनिश्चयवाचक में पढ़ते हैं कोई, कुछ, किसी, जहां संदेह का आभास हो। प्रश्नवाचक, कौन, क्या और किसका। संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा। और निजवाचक, स्वयं या अपने आप। अब हम यहाँ परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं, तुम, वह, इनके उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह। इसके बाद आता है नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये उनके उदाहरण हैं। इसके बाद आता है नंबर 4, प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न का बोध हो। कुछ जानने या पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या या किसकी। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्य खंडों को जोड़ा जाए जिसका आपस में संबंध हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण है जैसे अपने आप, मतलब अपने आप या स्वयं के लिए। यहाँ मैंने बच्चों आपको सर्वनाम और कारक के विषय में पढ़ाया। बच्चों यहाँ मैंने आपको सर्वनाम के विषय में पढ़ाया है और आप इन सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण के साथ कॉपी में लिखोगे और याद करके उसको कंठस्थ करोगे। धन्यवाद।